अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं मई उर्दू टीम यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आप सब फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफियत से। मुझे कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्टें आ रही थी कि जवार भाई हमें सुजुकी वालों के जो मेहरान है, जो उन्होंने एक न्यू एडिशन दिया है, लिमिटेड एडिशन, सो उसका रिव्यू करें। तो आज मैं मौजूद हूँ सुजुकी बखर मोटर पार्क और यहाँ पर जो है मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूँ। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग हैं न्यू और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी जरूर इंटर किया करें। और आज वैसे मैंने अपनी शोरूम वसीम मोटर्स की कंप्लीट वीडियो बनानी थी, बट मैंने कहा कि आज इस गाड़ी की वीडियो बना लेता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी मैं पूरे शोरूम की जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप ट्रैक्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर को कर लें सब्सक्राइब। अगर आप गाड़ी के हवाले से मजीद मालूमात चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है सुजुकी लिमिटेड एडिशन मेहरान और मैं इसकी फ्रंट पे मौजूद हूँ। और ये जो गाड़ी है इसमें आपको कलर मिल रहा है गन मेटालिक। अगर मैं बम्पर्स की बात करूँ तो वही VX के जो हमें बम्पर मिलते हैं जिनके ऊपर आपको जो है वही प्लास्टिक कलर मिलता है, सो इसके भी बम्पर जो हैं इनको गाड़ी की बॉडी के साथ मैच नहीं किया गया। और वही लाइट्स हैं, वही ग्रिल है, तो यहाँ पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। आप लोग देख सकते हो वही मेहरान है जो पहले वाली VX हुआ करती थी। इसमें जो तब्दीलियाँ हैं वो मैं आपको जो है बता दूंगा कि इसमें कौन सी तब्दीली उन्होंने किया और इसके प्राइस जो हैं इस टाइम क्या हैं। सो ये वही टायर्स हैं, आप लोग देख सकते हो कि इसके जो टायर्स हैं ये वही जो हमें मेहरान VX में मिलते हैं वही टायर है। और इसमें हमें जनरल कंपनी के टायर मिल रहे हैं। तो साइड मिरर की मैं बात करूं तो ये आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे प्लास्टिक में और इनका कलर भी बॉडी के साथ मैच नहीं किया गया। अगर मैं इसकी बात करूँ डोर हैंडल की तो डोर हैंडल भी गाड़ी के बॉडी के साथ मैच नहीं है। सो किस्सा मुख्तसर के गाड़ी जो है इसमें जो उन्होंने चेंजिंग दी है, यहाँ पर ये पीछे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने यहाँ पर लिखा है लिमिटेड एडिशन, ठीक है। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें उन्होंने सिर्फ ये जो बैक साइड है इसके ऊपर जो आपको चेंजिंग नज़र आ रही है कि उन्होंने ये, क्योंकि उनका लिमिटेड एडिशन वेरियंट है तो उन्होंने यहाँ पर जो है इसमें लिमिटेड एडिशन का यहाँ पर आपको देख सकते हो कि यहाँ पर ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर अगर इसकी मैं रियर लाइट्स की बात करूँ तो वही रियर लाइट्स हैं, कोई तब्दीली नहीं है। यहाँ पर आपको मेहरान VX लिखा हुआ मिलेगा। ये गाड़ी के आप रियर विंडशील्ड देख सकते हो, बम्पर जो बैक साइड के हैं और फ्रंट के हैं इनका कलर प्लास्टिक वाला कलर है, ब्लैक कलर, इसको जो है बॉडी के साथ मैच नहीं किया गया। तो ये गाड़ी के आपने बाहर से एक्सटीरियर सारा देख लिया होगा। अच्छा, इसमें जो उन्होंने तब्दीली दी है, इससे पहले जो उनका वेरियंट आता था VX उसमें AC नहीं आता था, तो सो उन्होंने इस गाड़ी में जो है AC भी दे दिया। और इस गाड़ी की मैं की भी आपको दिखाता हूँ, इस गाड़ी में ये आपको की मिल जाती है जो कि सेंसर है इसके ऊपर के, इससे आपकी गाड़ी जो है लॉक या अनलॉक तो नहीं होगी। हाँ, अगर यहाँ से आप इसको लॉक कर देंगे तो फिर आपकी गाड़ी जो है ये स्टार्ट नहीं होगी। तो ये इसमें आपको जो है सिंपल सी एक की मिल जाती है। तो गाड़ी का डैशबोर्ड हम देख सकते हैं, डैशबोर्ड में कोई चेंजिंग नहीं है, जस्ट इसमें जो है AC की चेंजिंग इसमें दी गई है। तो अब जो है मैं थोड़ा अंदर जाके आपको इसके मज़ीद कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। सो ये इस गाड़ी में वही मल्टीमीडिया आपको मिलता है जो कि हमें पहले वाली मेहरान में मिलता था। मल्टीमीडिया में कोई चेंजिंग नहीं है, वही डैशबोर्ड है, यहाँ पर AC का आपको मिल जाता है बटन। तो अंदर से इसका मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता क्योंकि आप लोग कहेंगे कि जवार भाई अगर गाड़ी वही थी तो आपने जो है वीडियो की लेंथ बढ़ा दी। सो ये अंदर से आप देख सकते हो वही सारी चीज़ें जो हमें VX में मिलती थी। बस इंजन हम गाड़ी का चेक करते हैं फिर मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। सो इस गाड़ी में आपको 800 CC का इंजन मिलता है जो कि हमें 14-15 किलोमीटर सिटी एरिया के अंदर माइलेज प्रोवाइड करता है। और अगर हम इस पे लॉन्ग पे हाईवे या मोटरवे पे अगर हम इस पे ट्रेवलिंग करेंगे तो ये तकरीबन हमें 18 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से माइलेज देता है। गाड़ी का वही इंजन है, इंजन में कोई किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की गई क्योंकि आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्टें आ रही थी कि जवार भाई जो लिमिटेड एडिशन है उसका रिव्यू करें। सो मुझे ये गाड़ी मिल गई सुजुकी बखर मोटर पर यह गाड़ी अवेलेबल है। अगर आप लोग बखर सिटी से हैं तो आप यहां जो है इस इनका मैं रब्ता नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनसे इसके बारे में मज़ीद मालूमात जो है पूछ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। इसकी जो प्राइस है फ्रेंड्स विद होल्डिंग टैक्स 8,32,000, इसकी जो है प्राइस है 8,32,000। इसमें VX में
और इसमें जो पहले वाली हमें VX वेरिएंट मिलता था इसमें और उसमें फ़र्क जस्ट है कि इसमें उन्होंने जो है AC दे दिया, उससे पहले एयर कंडीशन VX में नहीं आता था जो कि हमें VXR वेरिएंट में मिलता था और पीछे जो है इसके आपको लिमिटेड एडिशन लिखा हुआ नज़र आएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह कल मैं अपनी शोरूम वसीम मोटर्स पर कम्प्लीट जितनियाँ गाड़ियाँ हैं मैं उनका रिव्यू करूंगा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं पूरे शोरूम में जितनी गाड़ियां उनके रिव्यू करूंगा, तो आज मैंने इसका रिव्यू कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू आप उसका जो है पूरी शोरूम का मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।